हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव के बारे में। जी हाँ गाइस, जो हाल ही में एल्विश यादव ने अपने ब्लॉग में कह रहे हैं कि उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर और नेगेटिव मीम्स करे जा रहे हैं। भी है पीआर टीम जिसकी भी है ना, ये जो नेगेटिव पीआर नेगेटिव मीम्स, और देखी होंगी आपने काफी कमेंट सेक्शन में भर रखा है, ट्विटर अकाउंट्स भर रखे हैं, वो एकदम से कहां से आ गए? पहले तो नहीं थे ना, एकदम से कहां से आ गए? तो उसका रीजन यही है। इसको बोलते हैं, जो मेरे भाई जो इन चीजों की नॉलेज नहीं है जिनको, इसको बोलते हैं नेगेटिव पीआर करवाना, पैसे देके किसी की इमेज खराब करवाना मीम के थ्रू और न्यूज चैनल्स के थ्रू या फिर जिस मर्जी के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, यही होता। तो एकदम से ये हवा आ गई और ये पता भी लग गया, हमने पता लगाई टेलीग्राम वेलीग्राम जो भी है जहाँ से भी। तो हमारा बहुत खास भाई था, है या जो भी, हम तो अभिषेक मल्हान से ये पूछा गया, अब लोग खुद ही देखिए उनका क्या रिप्लाई था। नेगेटिव पीआर मैं ओपनली नहीं बोलना चाहता, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हमने आज तक अपना पॉजिटिव पीआर नहीं करवाया, तो हम किसी का नेगेटिव क्यों करें? सही बात है, ये बात। और 25 लाख 25 लाख ब्लॉग में पूरा बोला गया, समझे? ब्लॉग में पूरा बोला। और मेरे को जो लगता है उसने किसी और के लिए बोला है वो चीज जो लोगों ने गलत कॉन्टेक्स्ट में ले ली। बिकॉज जिस दिन बाहर निकला मेरे को पता चला, मेरे को मैंने ऑनलाइन की वीडियो देखी, मैंने उसको टेक्स्ट करा कि अगर तेरे को ऐसा लग रहा है तो बहुत गलत सोचा है भाई। बट मेरे को ऐसे ये था कि शायद नहीं, मेरे को उसने नहीं बोली बात, बाकी आई डोंट नो, आई हैव टेक्स्टेड हिम। और ऐसा नहीं, हमारी अब तक तो बहुत अच्छी बात थी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी पॉजिटिव या नेगेटिव पीआर करूं भाई। पर उन्होंने ये भी बोला है कि मैं तो अपनी तरफ से भाई मानता हूं, उन्होंने भाई वाली हरकत नहीं की। बोल रहा हूं मेरे भाई, हां वो भी बात है, तुम लोग कंफर्म कर देते हो ना कि कुमार ने बोली है, वही अभी आपसे वही कंफर्म कर रहे हैं। नेगेटिव पीआर मैं ओपनली नहीं। एल्विश यादव ने जो ट्वीट करके बोला है, क्या आपको पता है आपका मैनेजर जो कि जासूस किंग है क्या कर रहा है ट्विटर पर? जब से एल्विश भाई जीता है तब से उनके खिलाफ बोलते जा रहा है, आपने उसको रोका? गाइज, इसके बाद अभिषेक मल्हान ने जो उनको रिप्लाई दिया है, एस ब्रदर वी हैव बीन हैविंग कॉन्स्टेंट रिफ्ट्स रिगार्डिंग हिज ट्वीट्स एंड आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली फोर्सिंग हिम टू डिलीट हिज ट्विटर अकाउंट बिकॉज आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु एडवोकेट्स हेटर्ड स्पीच। जी हाँ गाइस, ये था अभिषेक मल्हान का जो उन्होंने एल्विश यादव को रिप्लाई किया। वेल गाइस, फिर से जो जासूस किंग है अभिषेक मल्हान का मैनेजर, उनको धमकी दी है, तो आप लोग खुद ही सुन लीजिए वीडियो में। जो एक आदमी की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसे साढ़े ना बहुत दिन तक देख रहा हूँ मैं, मगर घर गया ठा ले जाएंगे, बेरा भी ना चला कहाँ गया, इसे बेशक धमकी में ले लियो भाई। हमारी गल बकचोदी करने से पहले 100 बार सोच ले करो कि सीरियस कर रहे हो, मजाक में कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जो एक आदमी की मैं बात, कमेंट जो आया उसका बड़ा भाई तो रोक सका था भाई, बड़ा भाई रोक भी सका था, बड़ा भाई अपने सारे रिप्लाई भी रोक सका था, अपना समझ रहे हो ना, वो पता लग रहा है यार। और फिर अपनी साइड से ये भी कह रही है, हमारी साइड से कुछ नहीं है बाबा। वेल गाइस, एल्विश और अभिषेक का जो नेगेटिव प्यार को लेके चल रहा है दोनों के बीच में अनबन, इसके बाद जी गाइस, देविका जो बिग बॉस OTT2 की कंटेस्टेंट है, जो कि उन्होंने लाइव आके बोला है कि मनीषा भी इसमें शामिल है जो नेगेटिव प्यार चलाया जा रहा है, तो आप लोग सुनिए क्या बोल रही हैं। ये सबके लिए एल्विश इज गेटिंग ट्रोल्ड, वो बेचारा वीडियोस बना रहा है नेगेटिव पीआर के अगेंस्ट, एंड फुकरा का ही पीआर उसके अगेंस्ट जा रहा है। फुकरा इज मेकिंग नेगेटिव पीआर अगेंस्ट एवरीवन, इवन मनीषा इज डूइंग दैट, एवरीबॉडी इज, मनीषा को भी ट्रोल किया जाता है, हेट तो उसे भी मिल रही है, जिया को मिल रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो इट्स गोइंग ऑल द वे फ्रॉम एवरीवन हियर एंड देयर, सो अब मुझे लगता है वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट This is also key. Well guys, अभिषेक और एल्विश के बाद अब मनीषा का नाम भी जुड़ गया है। गाइज, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सच बोल रहा है, एल्विश यादव या फिर अभिषेक मल्हान?
तो गाइज आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।